हेलो फ्रेंड, दिस इज संजना और आज मैं आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताऊंगी। ओके, ट्रुथ टेबल के बारे में जानने से पहले एक काम करते हैं, हम उसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ओके, तो उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देखें, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है। प्रोपोजिशनल लॉजिक वो एक प्रोसीजर है, प्रोवाइड करता है आपको रीजनिंग थ्रू आउट द वो थ्रू करता है आपको सेंटेंस के। ओके, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं लाइक पी इक्वल्स टू जयपुर इज द पिंक सिटी। ओके, तो इट्स इन राजस्थान। बी आपका है इट्स इन राजस्थान। ओके, तो इट इज़ इन राजस्थान। ओके, तो हम क्या करें, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक साथ। ओके, हम लोग एंड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग और यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसी टाइप का जॉइनिंग को बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो आपको रीजनिंग करने का हेल्प करे, आपको दो चीज़ों को जोड़ के उसको हेल्प करके कनेक्ट करने का कोशिश करे। ये एंड एंड और आपका कनेक्टिव्स है। ओके, मैंने आपको पहले कोर्स वन में बताया होगा शायद थोड़ा लॉजिक के बारे में। ओके, वो थोड़ा था, पर अब मैं आपको ब्रीफ में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ ट्रुथ टेबल इज़ अ मैथमेटिकल टेबल। ओके, ये क्या है, एक मैथमेटिकल टेबल है जो आपका लॉजिकली रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। ये ना कनेक्शन रहते बुलियन अलजेब्रास, बुलियन फंक्शन, प्रोपोजिशनल कैलकुलस विच इज़ अ सेट ऑफ फंक्शन वैल्यूज, मतलब इन शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, लाइक कुछ लॉज होते हैं। ओके, तो वो उन लॉज को फॉलो करते हैं, लाइक डी मॉर्गन्स लॉ एंड अलग अलग लॉज होते हैं, एवरी थ्योरम होता है। ओके, उससे करते हैं, जस्ट यही था। ओके, और इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रुथ टेबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या टाइप्स होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन एंड टॉटोलॉजी क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दूंगी। ओके, कि कैसे आपको समझ में आए, ठीक है। और कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है, वो सब जानेंगे हम इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो अब लॉजिकल कंजक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे टी रिप्रेजेंट करता है ट्रू स्टेट, जो कि आपका वन है, एंड एफ रिप्रेजेंट करता है आपका फॉल्स स्टेट, जो कि आपका ज़ीरो है, ठीक है। इसे आप टी एफ की जगह ज़ीरो एंड वन भी बोल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हम यूजुअली दो लेकर चल रहे हैं, पी एंड क्यू। ओके, अब कंजक्शन क्या होता है, आप दो चीज, कंजक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज डॉट। ओके, आप डॉट लिख सकते हो या फिर उल्टा वी, ठीक है, आप दोनों कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी एक ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लाइक कंसिडर करते हैं हम लोग, श्याम इज फैट, और क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक और है, ही कांट क्लाइम ट्री। ओके, तो अब हम इसको अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन वाइज कंसिडर करें, तो लाइक श्याम इज फैट एंड ही कांट क्लाइम ट्री, यहाँ पे एंड जो है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। बेसिकली हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, तो वो उसका मतलब एंड ही है, ठीक है। तो अगर हम एंड लेते हैं, एंड यानी डॉट। ओके, डॉट यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैंने आपको बताया था कि वन इंटू वन आपका वन होगा, दैट इज टी इंटू टी टी, एंड टी इंटू एफ आपका ज़ीरो इंटू वन या वन इंटू ज़ीरो आपका ज़ीरो होता है, दैट इज़ फॉल्स, एंड फिर यहाँ पे आपका फॉल्स फॉल्स, एंड आपका ज़ीरो इंटू ज़ीरो तो फॉल्स ही होगा, यानी एफ इंटू एफ यानी एफ होगा ना, तो यानी वो फॉल्स स्टेट में होगा। अब डिजक्शन क्या होता है, वो और होता है, और कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ वो प्लस है, और वो v से रिप्रेजेंट होता है। लाइक आप दो वैल्यूज ले रहे हो और उसके बीच में आपको प्लस लगाना है, ठीक है। तो सॉरी, आपको पता है कि अगर मेरा वन इंटू वन है तो वो वैल्यू क्या होगी, वन प्लस वन है, सॉरी वन प्लस वन है, तो वो वन ही होगा। अब फिर एनीथिंग
वन प्लस जीरो और जीरो प्लस वन तो वो ऑब्वियसली वन होगा, तो ये तीनों वैल्यू वन होगी ओके। और ये एक वैल्यू दैट इज जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा ना, तो यानी फॉल्स प्लस फॉल्स इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। ये हुआ आपका नॉर्मल डिजक्शन एंड कॉन्जक्शन, ओके। वो आपका ट्रू एंड फॉल्स में लिखा हुआ है, ओके। अब हम देख रहे हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन क्या होता है? इसका बेसिकली आपका ये एरो हेड से रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे को बोलता है कि अगर आपको ऑड नंबर ऑफ, मतलब ऑड नंबर आपका कुछ भी आ रहा है, लाइक बेसिकली लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है इफ़ एंड देन, ओके। इफ़ एंड देन आपका ये पी एंड क्यू अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे कंसिडर कर रहे हैं, इतना थ्योरी इसका पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको सिंपली आप देख सकते हो कि आप इसको क्या कर सकते हो, आप वैल्यू को ना लाइक जिसके तरफ एरो हेड रहेगा उसे आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। उसे चेंज करना है लाइक बार हो जाएगा, तो जिस तरफ एरो हेड है ना उस तरफ वो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर जिस तरफ एरो हेड नहीं है वो वैल्यू ना ए बार हो जाएगी। ए बार यानी ए नॉट, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये ऐसे ही होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब लॉजिकल इक्वालिटी, ओके। बेसिकली वो उतना नहीं ज़रूरत पड़ता है लॉजिकल इक्वालिटी का, पर ये यूजुअली ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, बाई कंडीशनल बोलते हैं इसको, और इसका एक फॉर्मूला है इफ़ एंड ओनली इफ, ओके। लाइक आपका ये एरो हेड ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब एरो हेड आपका दोनों साइड होगा, तो आपका ये क्या होगा, आपका ये जो वैल्यू है पी एंड एफ, नहीं सॉरी पी एंड क्यू, ये वैल्यूज हैं आपके, ये आपका ऐसे हो रहेगा, आप पी बार इंटू क्यू बार प्लस पी क्यू, और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आपका इधर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे करना है, ये यूजुअली आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर उसके बाद इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद रखने के बाद और कोई झमेला ही नहीं है इसमें। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए बार या बी बार, अब अगर ए बी कंसिडर कर रहे हो प्लस ए बी, या फिर पी क्यू अगर आप ले रहे हो पी बार क्यू बार प्लस पी क्यू, प्लस पी क्यू यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो यानी पी क्यू अगर हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है साथ में, ए बी यानी ए इंटू बी, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं वैसे, तो ऐसे ही करके हम और भी बहुत सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा हो गया इक्वालिटी वाला। इक्वालिटी को हम इक्विवेलेंस या फिर हम आपका ये जॉर गेट भी बोला जाता है, जॉर। जब हम गेट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और गेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये यूजुअली कोर्ट में नहीं आता है, बट ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो तो अच्छा रहता है, ऐसे ये स्कोर ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको काम में आ जाएगा। अब नैंड क्या होता है? नैंड होता है आपका लॉजिकल एंड को, मतलब एंड जो आपका है उसको नॉट, मतलब नॉट से साथ रख देते हैं, ठीक है। अब नैंड का वैल्यू, नैंड एक गेट है, ठीक है। वो नैंड एंड नॉट आर यूनिवर्सल गेट। कोई भी पूछेगा कि विच आर यूनिवर्सल गेट, सो आप बोलेंगे नैंड एंड नॉट, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, हम ए बी से कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पी क्यू लिया है, पर हम ए बी से कंसिडर करेंगे, तो पहले 0 1 1 0 एंड 1 1 1 जीरो, सॉरी एक्चुअली आपका 0 यहाँ पे एफ है एंड 1 यहाँ पे टी है, जो कि मैंने वैल्यू, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो मैं आपको जो बोल रही हूँ वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नैंड में क्या होगा ना कि आपका जो इवन नंबर रहेगा वो ज़ीरो हो जाता है। लाइक आप नैंड जो वैल्यू है आपकी, जो आएगा आपका वैल्यू उसका वो ज़ीरो होगा, मल्टीप्लाई करने में जो फाइनल वैल्यू होगा, अगर आप ट्रू इंटू टू करते हो
तो वो ट्रू आता है, बट फॉल्स इनटू इक्वल्स फॉल्स आता है, पर वो ऐसे नहीं करेगा, वो उसको ऑपोजिट रखेगा आउटपुट. लाइक 0 इंटू 0 आपका 0 होगा पर वो 1 कर देगा, 0 इंटू 1 आपका 0 होगा फिर भी वो उसको 1 करेगा, और 1 इंटू 0 आपका 0 होगा फिर भी वो 1 करेगा, और 1 इंटू 1 जो कि आपका 1 होगा वो उसको 0 कर देगा. एग्जैक्टली आपका नॉर है. नॉर यानी ये भी आपका यूनिवर्सल गेट है, और इसे सॉरी इसे क्या बोलते हो, ए प्लस बी को होल आप ऊपर नेगेटिव कर देना, मतलब ये जो आएगा नॉट यानी नेगेटिव नहीं, आपको उसको जो वैल्यू आएगी उसको वो दूसरी हो जाएगी, मतलब वो 0 है तो 1 है, 1 हो जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा. सॉरी 0 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है. सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है. तो 1 पहले हम 0 0 लेंगे, फिर 0 1 लेंगे, 1 0 लेंगे एंड 1 1 लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 0 0 0, ठीक है. यही था आपका ट्रुथ टेबल के बारे में. इसके बाद हम और भी इसका यूटिलाइजेशन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग.